रोटी वाला। एक बार था एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ी महिला और एक छोटा सा लड़का। एक सुबह बूढ़ी महिला ने रोटी बनाया एक मानव की शक्ल में। उसके बालों और कपड़े आइसिंग के साथ बनाया और नाक और आंखों के लिए गोल गोल आटे का इस्तेमाल किया। महिला ने फिर उसको ओवन में डाला और छोटे लड़के से बोली, इस रोटी वाले का ख्याल तुम रखना, जब तक मैं और तुम्हारे दादा बाग में कुछ काम निपटा लेंगे, ठीक है बेटा? तो दादा और दादी गए बाग में आलू निकालने के लिए और छोटे लड़के को ओवन का ध्यान रखने को छोड़ दिया। पर लड़का अपने ही दुनिया में खोया हुआ था। अचानक से उसको कुछ आवाज सुनाई दी। ओवन का दरवाजा खुला और अंदर से एक जीवित रोटी वाला बाहर निकल आ गया। वह घर के दरवाजे की ओर लुढ़कने लगा। छोटा लड़का दरवाजा बंद करने भागा, पर बहुत देर हो चुकी थी। रोटी वाला जल्दी से बाहर निकल गया और सड़क पर आ पहुंचा। छोटा लड़का उसको पकड़ ही नहीं पाया। वह रोते रोते अपने दादा और दादी के पास गया और सब कुछ बताया। दोनों ने अपना काम छोड़ा और रोटी वाले के पीछे भागने लगे, पर रोटी वाला था तेज और जल्दी उन सब की नजरों से गायब हो गया। रास्ते में रोटी वाला दो आदमियों के पास से गुजरा जो कुआ खोद रहे थे। एक ने कहा, हो रोटी वाला, कहाँ जा रहे हो? मैंने एक बूढ़े आदमी, एक बूढ़ी महिला और एक छोटे से लड़के को पीछा छोड़ दिया है और अब मैं तुम सब लोगों से भी आगे निकल सकता हूँ। आओ आओ पकड़ो। सच में? अच्छा तो देखते हैं, बोले आदमी और रोटी वाले के पीछे दौड़ने लगे, पर रोटी वाले के तेज रफ्तार की बराबरी नहीं कर पाए और अंत में हार मानकर रुक गए अपने आप को संभालने के लिए। फिर रोटी वाला दो और आदमियों के पास आया जो गड्ढा खोद रहे थे। हे रोटी वाला, कहाँ जा रहे हो? मैंने एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ी महिला, एक छोटा लड़का और दो कुआ खोदने वाले को पीछा छोड़ा है और मैं तुम लोगों से भी आगे निकल सकता हूँ। आओ आओ पकड़ो। अच्छा सच में? चलो देखते हैं, बोले आदमी और रोटी वाले के पीछे दौड़ने लगे। जल्द रोटी वाला उनसे भी बहुत आगे निकल गया और दोनों आदमी अपनी सांसें संभालते हुए रुक गए आराम करने। थोड़ी देर बाद रोटी वाले के रास्ते में आया एक भालू। भालू पूछा, कहाँ जा रहे हो रोटी वाला? मैंने एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ी महिला, एक छोटा बच्चा, दो कुआ खोदने वाले और दो गड्ढा खोदने वाले को भी पीछे छोड़ा है। मैं तुमसे भी आगे निकल सकता हूँ। आओ आओ पकड़ो। हाँ सच में? देख लेंगे, बोला भालू। भालू रोटी वाले के पीछे दौड़ने लगा, पर रोटी वाला था तेज और जल्द वो बहुत आगे निकल गया। भालू ने भी हार मान लिया और आराम करने रुक गया। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया उसके रास्ते में आया। भेड़िया ने पूछा, कहाँ जा रहे हो रोटी वाला? मैंने एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ी महिला, एक छोटा बच्चा, दो कुआ खोदने वाले, दो गड्ढा खोदने वाले और एक भालू को भी पीछा छोड़ा है। मैं तुमसे भी आगे निकल सकता हूँ। आओ आओ पकड़ो। सच में? देख लेंगे, बोला भेड़िया और रोटी वाले के पीछे दौड़ने लगा, जो इतनी तेजी से भाग रहा था कि अंत में भेड़िया भी थक ही गया। वह भी आराम करने रुक गया। थोड़ी देर बाद रोटी वाले के रास्ते में आया एक लोमड़ी जो चुपचाप कोने में बैठा था। लोमड़ी ने जोर से बोला, हे रोटी वाला, कहाँ जा रहे हो? मैंने एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ी महिला, एक छोटा बच्चा, दो कुआ खोदने वाले, दो गड्ढा खोदने वाले, एक भालू और एक भेड़िया को पीछे छोड़ा है। मैं तुमसे भी आगे निकल सकता हूँ। आओ आओ पकड़ो। लोमड़ी बोला, क्या क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा पास में आके फिर से कहो। मैंने एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ी महिला, एक छोटा बच्चा, दो कुआ खोदने वाले, दो गड्ढा खोदने वाले, एक भालू और एक भेड़िया को भी पीछे छोड़ा है। मैं तुमसे भी आगे निकल सकता हूँ। आओ आओ पकड़ो। अरे मुझे अभी भी सुनाई नहीं दिया, थोड़ा और पास आओ ना,
बोला भेड़िया अपना कान आगे करते हुए। रोटी वाला अब बिल्कुल लोमड़ी के बाजू में आके फिर से गला फाड़ के बोला, मैंने एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ी महिला, एक छोटा बच्चा, दो कुआं खोदने वाले, दो गड्ढा खोदने वाले, एक भालू और एक भेड़िया को पीछे छोड़ा है। मैं तुमसे भी आगे निकल सकता हूँ। आओ आओ पकड़ो। अच्छा सच में? बोल उठा लोमड़ी और झट से रोटी वाले को पकड़ा और खा गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालू लोगों की जाल से बच के रहना चाहिए।